हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी आज है ट्वेंटी सेवंथ अगस्त 2020 ट्वेंटी देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे अगर आप किसी वीडियो की पीडीएफ डी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर लिंक भी मैंने निये तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पी डेफ आपके साथ मिल सकती है ना ईवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ना भूलें लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ईयर्स है द टेन्यी ऑफ डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी एक्सटेंडेड रिसेंटली हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है सो so, अभी रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी इनका जो टेन्यूर है वो दो साल तक और बढ़ा दिया गया है सो so, ये डी के चीफ है तो देखते हैं डी क्या है ये कौन सी एजेंसी है तो so, ये है डी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन Uh, ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चार्ज विद द मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसका हेड क्वार्टर इन इंडिया और इसके जो मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है वह है राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड डॉक्टर जी एस इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ सो डी इन्हीं का टेन्यर अभी रिसेंटली दो साल तक और बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट फिल्म वन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट ऑर्गेनाइज बाई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस शॉर्ट फिल्म ने पहला पुरस्कार जीता है सो रिसेंटली एम ये एक शॉर्ट फिल्म है इट हैड वन द फर्स्ट इट हैड इट हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट दैट इज ऑर्गेनाइज बाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सो एम इसको फर्स्ट प्राइज मिला है इट वॉज डायरेक्टेड बाई अभिजीत पॉल और सेकेंड प्राइज मिला है अब इंडिया बनेगा भारत दैट वॉज डायरेक्टेड बाई दो जो संजीव और थर्ड प्राइज इसमें मिला है टेन रुपीज़ को और इसके डायरेक्टर हैं युवराज गोकुल सो so, ये तीन है विनर्स ऑफ द शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट दैट वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सो एम आई है इसको फर्स्ट प्राइज मिला है अब बनेगा अब इंडिया बनेगा भारत इसको मिला है सेकेंड प्राइज़ एंड टेन रुपीज़ इसको मिला है थर्ड प्राइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन फॉर यू वाइस प्रेजिडेंट्स पोस्ट अमरीकी उपराष्ट्रपति पद पाध के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय अमेरिकन कौन बना है रिसेंटली कमाला हैरिस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट्स पोस्ट सो यू एस सैनिटर कमाल हरिसा इनको नॉमिनेट किया गया है फॉर वाइस प्रेजिडेंट्स पोस्ट और अगर ये इलेक्ट होती ऑन नवम्बर थर्ड इन प्रेजिडेंशल एलेक्शंस तो शी विल बी द फर्स्ट एवर वुमेन वाइस प्रेजिडेंट ऑफ़ यू एस और कमाला हैरिस ये इनकी जो मदर है वो इंडियन है और इनके फादर हैं जमाइका तो इनको नॉमिनेट किया गया बाई डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन डेमोक्रेटिक पार्टी ये एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड स्टेट्स की तो देखते हैं यहाँ जनरली टू मेजर पार्टीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे आर डोमिनेटेड बाई टू मेजर पार्टीज एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में तो इसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये ओल्डेस्ट पार्टी है यूनाइटेड स्टेट्स की इट वॉज फाउंडेड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी इन सेवनटीन नाइनटी टू बाई थॉमस जेफरसन एंड जेम्स मेडिसन और बराक ओबामा जो यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्टी फोर्थ प्रेजिडेंट रहे हैं ही बिलोंग टू डेमोक्रेटिक पार्टी दैन नेक्स्ट है रिपब्लिकन पार्टी इट वॉज फाउंडेड इन एटीन फिफ्टी फोर बाई नॉर्दर्न एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट एंड मॉडर्नाइजर और ये जो इस वक्त करंट यू एस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ही बिलोंग टू रिपब्लिकन पार्टी एंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ द फोर्टी फिफ्थ प्रेजिडेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब बहुत जल्दी नवंबर थर्ड को इलेक्शन होने वाले हैं फॉर फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन हैज द क्लीनेस्ट टोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी की रैंकिंग में गंगा नदी के तट पर किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है so, recently, वाराणसी हैज़ बीन एडजस्ड एज द क्लिनस्ट टोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी रैंकिंग्स सो वाराणसी ये एक एंशंट हॉली टोन है जिसका नाम वाराणसी है और इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ स्परिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकेट ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश सो इसी को इट हैज़ वन द क्लिनस्ट टोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन रिसेंटली रिलीज स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी रैंकिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच नेशन हैज रीओपन सिलेक्ट वीजा सर्विस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स रिसर्चर्स एंड टीचर्स किस राष्ट्र ने भारतीय छात्रों शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए चुनिंदा वीजा सेवाओं को फिर से खोल दिया है सो रिसेंटली फ्रांस फ्रांस इज रीओपन द सेलेक्ट वीजा सर्विसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स रिसर्चर्स एंड टीचर्स अब फ्रांस ने ये रीओपन किया है वीजा सिस्टम फॉर इंडियंस तो देखते हैं फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो ग्लोब में देखते हैं पहले फ्रांस की लोकेशन यह है इंडिया और यहाँ पे ये है फ्रांस कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी यहाँ की पेरिस प्रेसिडेंट है यहाँ के इमानअल मैक्रॉन प्राइम यहाँ के जीन कैस्टैक्स एंड करेंसी यहाँ की यूरो नेक्स्ट क्वेश्चन विच चाइनीज कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस टू डिस्ट्रीब्यूट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फोन फॉर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एजुकेशन किस चीनी कंपनी ने हाल ही में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए पच्चीस फोन वितरित करने की घोषणा की है रिसेंटली रिसेंटली जियोमी अ चाइनीज कंपनी हैज अनाउंस टू डिस्ट्रीब्यूट 2,500 फोन्स फॉर ऑनलाइन एजुकेशन अब जियोमी ने यह अनाउंसमेंट की है तो जियोमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं ये एक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है इट वॉज फाउंड इन टेन लियान लिया जोन ये इसके फाउंडर को फाउंडर एंड सीओ एंड लिन विन इज़ द को फाउंडर एंड प्रेजिडेंट ऑफ जियोमी तो बाकी की कंपनीज भी देखते हैं विवो ये भी एक चाइनीज कंपनी है इट आज़ फाउंडेड इन टू टू थाउजेंड एंड नाइन और फाउंडर एंड सी ओ हैं इसके शैन वी देन ओप्पो ये भी एक चाइनीज कंपनी है इट वॉज फाउंडेड इन टू थाउजेंड एंड वन एंड फाउंडर और सी ओ हैं इसके टोनी चैन देन सैमसंग ये एक साउथ कोरियन कंपनी है इट आज़ फाउंडेड इन नाइनटीन थर्टी एट और ली कॉन ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सैमसंग नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर पोर्ट्स रिसेंटली स्टार्टेड हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य देखभाल पहल कहाँ शुरू की गई है सो रिसेंटली इन कर्नाटका स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर पोर्ट्स रिसेंटली बीन स्टार्टेड सो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मूवेबल हॉस्पिटल होगा दैट इज डिज़ाइन इन द फार्म ऑफ पोर्ट्स और ये बनाए गए इसलिए टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड नाइन्टीन एंड प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन इन दॉस्पिटल सो इसलिए ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर पोर्ट रिसेंटली स्टार्ट किया गया और स्टार्ट किया गया बाई द कर्नाटका गवर्नमेंट अब कर्नाटका में शुरू किया गया तो कर्नाटका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं सो so, मैप में ये है रेड कलर में कर्नाटका इट वॉज़ फार्म नवंबर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एज ए मैसूर स्टेट कैपिटल यहाँ के बेंगलुरु गवर्नर यहाँ के वजूभाई वाला चिम्स यहाँ के बी एस येडियरपा जो बीजेपी से हैं मैम वाले यहाँ का इंडियन एलिफेंट बर्ड है कर्नाटका का यानी स्टेट बर्ड यहाँ का इंडियन फ्लावर एंड यहाँ इंडियन रोलर एंड स्टेट फ्लावर यहाँ का लोटस कृष्णा रिवर यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है कर्नाटका का डोलो कनीथा यहाँ का पॉपुलर डांस है और कनाडा यहाँ की ऑफिशियल uh, लैंग्वेज है कर्नाटका की सो so, कुछ करंट अफेयर्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं पिछले एक दो महीनों में रिलेटेड टू कर्नाटका एक हमने पढ़ा था न्यू स्पीशीज ऑफ लिजर्ड सतीना धरवंसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कर्नाटका दैन फर्स्ट प्लाज्मा बैंक मिशन कोप वास लॉन्च देन लॉन्च फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड आल्सो फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइफ साइंस पार्क भी यहाँ Uh, रखी गई थी देन कैशो इंडिया ऐप फॉर फार्मर्स तो ये भी कर्नाटका में ही लॉन्च की गई है सो so, अब रिसेंटली यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव ड्रिवन हेल्थ केयर पोर्ट्स भी रिसेंटली अब यहाँ स्टार्ट किए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली रशिया है अप विथ विच कंट्री फॉर अ फार्मिडेबल एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिजाइल सिस्टम हाल ही में रूस ने एस फोर हंड्रेड वायु रक्षा मिजाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है सो रिसेंटली रशिया हैज़ टाइडअप विथ टर्की फॉर द फार्मिडेबल एयर डिफेंस मिजाइल सिस्टम सो अब टर्की के साथ ये टाइडअप हुआ है तो टर्की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन देखते हैं सो टर्की इट्स लोकेट मैनलियन एनाथोलियन पेनसोला इन वेस्टर्न एशिया और स्मालर पोर्शन इसका लोकेटेड ऑन द बालकान पेनिसोला इन साउथ ईस्टर्न यूरोप सो ग्लोब में भी इसकी लोकेशन देखते हैं सो so, ये ग्लोब यह है इंडिया और यहाँ पे यह है टर्की कैपिटल के टर्की की अंकारा प्रेजेंट यहाँ के रिसिप तैयब इर्दगान और करंसी यहाँ की तर्किश लेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विश शॉर्ट फिल्म हैज रिशिड इंटरनेशनल अवार्ड एट द रिसेंट बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है रिसेंटली so, अभिलाष एक शॉर्ट uh, फिल्म है उड़ीसा बेस्ड और इसी को uh, ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो so, ये एक शॉर्ट फिल्म है दैट्स बेस्ड ऑन लॉकडाउन और इस फिल्म में मैसेज दिया गया है ऑफ़ द अबाउट द अवेयरनेस ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन सो कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन उससे रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस इसमें इस शॉर्ट फिल्म में, में दिखाई गई है तो इसीलिए द इन द बेस्ट सोशल मैसेज फिल्म कैटेगरी में इसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है इस शॉर्ट फिल्म अभिलाष को और इसके जो डायरेक्टर हैं वह हैं गुरु कृष्णा साहू ये हैं गुरु कृष्ण चंद्र साहू so, इसी को ये अवार्ड मिला है. भारत ने किस देश के uh, साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है अभी रिसेंटली इंडिया चेयर द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी विद द उज्बेकिस्तान उजबेकिस्तान और इंडिया ने एक कमेटी uh, बनाई है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द म्यूचुअली एग्रीड प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान और इसी कमेटी uh, की जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है बिटवीन द टू कंट्रीज तो इसी की फर्स्ट मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रिसेंटली so, जाकिर खान सोशल वर्कर एंड एक्स काउंसलर हैं ये uh, जाकिर हुसैन इन्हीं को नॉमिनेट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ डेली माइनॉरिटीज कमीशन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिटर्न अ बुक टाइटल्ड हु पेंटेड माय लर्स्ट रेड हु पेंटेड माय लर्स्ट रेड नामिक पुस्तक किसने लिखी है so, अभी ये बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है हु पेंटेड माय लास्ट रेड और इसके राइटर है श्री एयर ये है श्री एयर इन्होंने ही ये बुक लिखी है who Painted My Red. तो श्री ये है इसका करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हैज रिसेंटली लॉन्च द सुपर एफ फॉर डिजिटल सर्विसेज हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है रिसेंटली टाटा ग्रुप्स हैज लॉन्च द सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज और इस ऐप के थ्रू दे विल ऑफ़र फूड ग्रोसरी ऑर्डरिंग्स ऑर्डरिंग फैशन लाइफ स्टाइल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एजुकेशन हेल्थ केयर एंड बिल पेमेंट्स सो ये तमाम सुविधाएं इस ऐप के थ्रू कस्टमर्स को दी जाएंगी सो so इस ऐप को लॉन्च किया गया है बाय द टाटा ग्रुप्स तो टाटा ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं ये एक इंडियन मल्टीनेशनल नेशनल होल्डिंग कंपनी है और uh, इसके जो चेयरमैन है वो है नटरंजन चंद्रशेखरन ये इसके करंट चेयरमैन टाटा ग्रुप हेडकोर्टर इस, इसका है मुंबई महाराष्ट्र में इट एज फाउंडेड इन एटीन फाइव फाउंड्रेस के जमशेद जी टाटा और नटरंजन चंद्रशेखरन ये हैं इसके करंट चेयरमैन सो so, अब इन्होंने सुपर ऐप लॉन्च किए फॉर डिजिटल सर्विसेज नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हु विच कंट्रीज गोल्फर हैज़ वन द दुमेंस ब्रिटिश ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टाइटल हाल ही में किस देश के गोल्फर सोफिया पोपो ने महिला ब्रिटिश ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी का खिताब जीता है सो so, रिसेंटली गोल्फर सोफिया पपो जो जर्मनी की हैं तो इन्होंने ही रिसेंटली जीता है वुमेन्स ब्रिटिश ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टाइटल सो so, ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स आप देखते हैं कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर देखते हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो so, रिसेंटली राजीव कुमार Then, मैंने था, club, जिंदाबाद. ये किसने दिया था तो ये दिया था भगत सिंह ने सूर्य पुत्री तो ये है तवी रिवर नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू वी आर इज नोखाई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड नोखाई कटाई महोत्सव कहाँ मनाया गया तो अभी रिसेंटली ये uh, सेलिब्रेट किया गया ये फेस्टिवल नाखोई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल तो आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया आसाम उड़ीसा महाराष्ट्र नान ऑफ देन आपको बताना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठाज वर डिफीटेड बाई तो मराठा को किसने डिफीट किया था इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देन आपको बताना है फ्राम द रिवर तवी ओरिजिनेट्स तो तवी से रिलेटेड मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी हमने पीछे पढ़ा भी तो आपको बताना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है तो तमाम स्टूडेंट्स कमेंट करें इसमें कमेंट बॉक्स इस में सो इट्स द एंड ऑफ वीडियो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और ना ही और रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल